तो फ्रेंड अगर आपको ऐड फ्रेंड बटन शो नहीं हो रहा है, आपको फ्रेंड कोई भी ऐड करना चाहता है, जैसे मान लीजिए फेसबुक पर आपको कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहता है लेकिन कोई भी पर्टिकुलर बंदा आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेज पा रहा है, क्यों? क्योंकि आपकी प्रोफाइल आईडी पर उस पर्टिकुलर बंदे को ऐड फ्रेंड का ऑप्शन आ ही नहीं रहा है, केवल फॉलो का ऑप्शन आ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है आज की वीडियो में आपको बताऊंगा और आप कैसे इसका सॉल्यूशन ले सकते हो कि आपकी फेसबुक आईडी पर, फेसबुक प्रोफाइल पर आपको ऐड फ्रेंड का ऑप्शन वहां पर शो होने लगे। जितने भी यूजर्स हैं, जितने भी फेसबुक यूजर्स हैं, अगर वो आपको फॉलो करना नहीं चाहते हैं, आपके फ्रेंड बनना चाहते हैं, तो बहुत आसानी से आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज पाएंगे। तो फ्रेंड आखिरकार आपको कैसे करना है और ये क्यों होता है कि आखिरकार हमारी फेसबुक प्रोफाइल आईडी पर फॉलो बटन शो होने लगता है, ऐड फ्रेंड ऑटोमेटिक हट जाता है, वो कब होता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो फ्रेंड अगर आपको आपकी फेसबुक प्रोफाइल पर ऐड फ्रेंड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, चलिए जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप अपने फेसबुक अकाउंट पर आते हो, यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल पर आते हो, तो चलिए मैं आपको इस पर एज अ व्यूअर के तौर पर देखकर बताता हूँ कि व्यू एज करके मैं दिखाऊंगा। अगर आपको यहाँ पे आपकी प्रोफाइल पे कुछ इस तरीके का फॉलो बटन आ रहा है, यानी लोग आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेज पा रहे हैं और आपको केवल और केवल फॉलो बटन यहाँ पे शो हो रहा है, सभी लोगों को आपकी प्रोफाइल आईडी पर शो हो रहा है, वो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेज पा रहे हैं, केवल और केवल आपको डायरेक्टली फॉलो कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो यार कि वो लोग मुझे यहाँ पे फॉलो करें, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्यों होता है कि हमको यहाँ पे फॉलो का बटन ऑटोमेटिक आ जाता है। तो फ्रेंड पहली कंडीशन तो ये होती है कि आपके 5000 फ्रेंड्स क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। हालांकि ये मेरी जो फेसबुक आईडी है, मैंने उसको प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट कर लिया है फ्रेंड, इसलिए मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। प्रोफेशनल मोड आपको नीचे की ओर दिख रहा होगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ प्रोफेशनल मोड। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि नीचे की ओर यहाँ पे प्रोफेशनल मोड होता है। आप जैसे ही अपनी फेसबुक आईडी को प्रोफेशनल मोड में ऑन कर लोगे तो आपको सीधे सीधे फॉलोअर्स होने लगते हैं और यहाँ पे यूजुअल वे में कोई भी बंदा अगर आपके फेसबुक आईडी पर आता है तो उसको हमेशा फॉलो बटन ही शो होता है, आपका ऐड फ्रेंड का बटन शो नहीं होता, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। और अगर आपकी आईडी प्रोफेशनल मोड में ऑन नहीं है फ्रेंड, तो उसके बाद आपके अगर 5000 फ्रेंड कंप्लीट हो गए हैं, ये 5000 फ्रेंड्स जैसे मेरे फॉलोवर हैं, अगर आपके फ्रेंड कंप्लीट हो जाते हैं तो फेसबुक ऑटोमेटिक आपके यहाँ फॉलो बटन ऐड कर देता है। तो फ्रेंड इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि आखिरकार फॉलो बटन क्यों शो होता है। मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।